दोस्तों किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें, यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें, बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों हालांकि हमने बहुत सारी अब तक यूनिवर्सिटीज पर वीडियो बनाई है, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भी बताया है, डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में भी आपको बताया है और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की हमने कोशिश भी की है। दोस्तों जितने भी अब तक यूनिवर्सिटी चलती है अपने देश में, टोटल 482 जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उन्हीं में से लगभग 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती हैं हिमाचल प्रदेश में। शूलिनी यूनिवर्सिटी का नाम एक आता है जो कि ऑनलाइन एजुकेशन देती है। ऑनलाइन एजुकेशन को समझने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। पहला तो है NIRF। NIRF की अगर 100 रैंकिंग के अंदर कोई यूनिवर्सिटी आती है तो वो यूनिवर्सिटी वैसे भी देखा जाए तो वो आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे सकती है। पर अगर कोई यूनिवर्सिटी अगर NIRF की रैंकिंग में नहीं है और यूनिवर्सिटी को डेब की परमिशन है, मतलब डिस्टेंस कोर्सेज को चलाने की परमिशन है, और फिर वो यूनिवर्सिटी साथ में ही NAC एक्रेडिटेड है A+, तो भी वो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन आपको दे सकती है। उन्हीं में से एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है जो कि शूलिनी यूनिवर्सिटी है। शूलिनी यूनिवर्सिटी जो कि टोटल 482 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इंडिया में चलती है, उन्हीं में से 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है हिमाचल प्रदेश में, और एक नाम आता है शूलिनी यूनिवर्सिटी का भी। इस यूनिवर्सिटी के पास टोटल कितने कोर्सेज हैं डेब में चलाने के लिए, ऑनलाइन कोर्स को चलाने के लिए, आप ये जरूर समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास ऑनलाइन से ज्यादा आप ये समझिए कि डिस्टेंस एजुकेशन की मान्यता यूनिवर्सिटी को मिली हुई है और NAC एक्रेडिटेड A+ होने की वजह से यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कोर्सेज चला पाती है। अब हम बात करते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी के बारे में, बताएंगे आपको डिस्टेंस कैसे मिला यूनिवर्सिटी को, कितने कोर्सेज चलते हैं, फीस क्या है, सब पर आज बात करेंगे, UGC के बारे में भी और विकिपीडिया क्या बोलता है उस पर भी बात करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए शूलिनी यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों हमने बहुत सारी वीडियोस अब तक बनाई हैं ऑनलाइन एजुकेशन पर और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको अक्सर हम बताते रहते हैं। अब बात करते हैं शूलिनी यूनिवर्सिटी के बारे में। शूलिनी यूनिवर्सिटी के बारे में जानने से पहले दोस्तों आप ये समझिए कि जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी को होना चाहिए UGC रिकॉग्नाइज। यूनिवर्सिटी अगर UGC की एफिलिएशन यूनिवर्सिटी के पास है तो वो यूनिवर्सिटी चल सकती है। UGC पर चेक करने के लिए सीधा आप गूगल पर जाकर UGC टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद भी वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आएगा, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, वहाँ पर आप आके देखेंगे 365 नंबर पर शूलिनी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी ये कब बनी है, यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, यूनिवर्सिटी के बारे में और भी डिटेल्स आपको यहाँ पर आकर मिल जाएंगी। 2009 में ये यूनिवर्सिटी दोस्तों बनी है, 15/1/2009 में यूनिवर्सिटी बनी थी ये, और यहाँ पर बाकी डिटेल्स भी मेंशन है। विकिपीडिया क्या बोलता है उसके बारे में भी आप थोड़ा देख लें। विकिपीडिया बोलता है कि शूलिनी यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो कि 15 अक्टूबर 2009 को बनी। एकेडमिक एफिलिएशंस क्या है, UGC है, PCI है, NAC है, और साथ में ही चांसलर कौन है यूनिवर्सिटी के, PK घोसला इनका नाम है, और साथ में ही जो प्रो चांसलर है यूनिवर्सिटी के वो है विशाल आनंद। और भी कुछ डिटेल्स है यहाँ पर, हालांकि वो ज्यादा काम की आपकी होगी नहीं, पर फिर भी जो कैंपस है वो अर्बन में बना है, 25 एकड़ में यूनिवर्सिटी का कैंपस है। shulini university.com यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यह है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे हमने आपको बताया कि आप जाके गूगल पे आप टाइप करेंगे तो भी शूलिनी यूनिवर्सिटी से वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे, या फिर shulini university.com डाले तो आ जाएगा। हम यहाँ पर बाकी डिटेल्स के बारे में बात करने नहीं आए हैं कि यूनिवर्सिटी और क्या कोर्स करवाती है और क्या अप्रूवल से, हम बात करने आए हैं डिस्टेंस एजुकेशन की। तो दोस्तों जैसे ही आप डिस्टेंस की इनकी साइट पर यहाँ पर आ जाओगे online.shulini university.com, इस पर आप आएंगे तो प्रोग्राम्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनके प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे। तो बैचलर में कोर्स कौन कौन से हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी करवाती है BBA, बैचलर ऑफ कॉमर्स BCom यूनिवर्सिटी करवाती है, BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, और मास्टर्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं, MA इंग्लिश लिटरेचर में, और साथ ही MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। ये टोटल जो 5 कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, हालांकि हमारे पास जो लिस्ट आई थी पहले कुछ लोगों ने शेयर की थी उसमें और भी बहुत सारे कोर्सेज थे, बट ये तो है वेबसाइट यूनिवर्सिटी की, जो वेबसाइट बोलती है, जो हिमाचल में सोलन में यूनिवर्सिटी है शूलिनी यूनिवर्सिटी। अब हम इसकी एग्जैक्ट रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट क्या बोलती है। दोस्तों अपने देश में टोटल 482 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे बाकी
की यूनिवर्सिटीज चलती हैं, उसी तरह से ये भी एक यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती है। और जैसे देखा जाए तो जो यूजीसी एक्ट है 1956 का, उसके सेक्शन 2F के तहत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं। और इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे इस यूनिवर्सिटी को आप यूजीसी पर चेक करेंगे, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी करवाती है, आप एडमिशन कैसे लेंगे, साथ ही जब भी यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस हम तक पहुंचेगा, हम उस प्रोस्पेक्टस के साथ भी यूनिवर्सिटी के बारे में और भी बहुत कुछ आपको बताएंगे। और साथ ही आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी को विजिट करने का मौका मिला तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे और पॉडकास्ट करने की कोशिश करेंगे यूनिवर्सिटी के जो भी वाइस चांसलर है, चांसलर या रजिस्ट्रार साहब के साथ। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना या जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें। हो सकता है इस यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम और भी दूसरी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको सजेशन दे सकें और आप अपनी अच्छी यूनिवर्सिटी का और अच्छे कोर्स का चयन कर पाए। दोस्तों, अब करना क्या है, सबसे पहले आप टाइप कीजिए deb.ugc.ac.in या फिर आप गूगल पे जाके डेब लिखेंगे तो भी आ जाएगा। ये वेबसाइट खुलेगी, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, क्योंकि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के अंडर ही अब डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो चलता है। पहले ये अलग होता था, पहले ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो इग्नू है उसके अंडर डिस्टेंस एजुकेशन हुआ करता था, अब ये अलग है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, 2023-24 पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुलकर आएगा। यहाँ पर जो रिकॉग्निशन 2023-24 में कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी के पास हैं, तो जो लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 को आप क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों, लिस्ट 2 आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये खुला हुआ आ जाएगा, पूरी लिस्ट खुली हुई आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है, पूरी डिटेल्स के बारे में लिखा हुआ है। इसके अंदर आप ये पढ़ेंगे तो यहाँ पर आके आप शूलिनी टाइप कर लीजिए, शूलिनी आप टाइप करेंगे तो शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस, ये डिटेल जो यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश में यूनिवर्सिटी चलती है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये उसका पूरा नाम है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, बट इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। अब देखते हैं एग्जैक्टली कौन से 5 कोर्सेज का अप्रूवल मिला है। बैचलर ऑफ कॉमर्स जो यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया था, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA, बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर में, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब की MBA, ये 5 कोर्सेज में अगर आपने एडमिशन लिया है शूलिनी यूनिवर्सिटी में तो ये 5 कोर्स पूरी तरह से मान्य है, अप्रूव्ड है। बाकी और कोई कोर्स अगर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चलाती है, डिस्टेंस में क्लेम करती है हम यूनिवर्सिटी में कोर्स चलाते हैं, तो वो कोर्स मान्य नहीं है। दोस्तों, एडमिशन आप मत लेना बिल्कुल भी, ऐसी किसी भी तरह के स्कैम में मत फंस जाना। और शूलिनी यूनिवर्सिटी के बारे में हम अगली जो वीडियो लेकर आएंगे, फीस के बारे में भी बताएंगे और भी कुछ डिटेल्स के बारे में बताएंगे, एग्जैक्टली UGC तक कैसे पहुंचेंगे वो भी आपको बताएंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें और वीडियोस को, जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन्हें देखें, अच्छी लगे तो अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।